कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें तरह तरह के लुभावने वायदे किए गए हैं। एक बड़ा वायदा यह है कि जिस रोज सरकार बनेगी उस रोज जितने भी खाली पद हैं पहली कैबिनेट बैठक में उनको भरने की मंजूरी दे दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वायदा भी किया गया है। और सबसे बड़ा वायदा ये कि सरकार गोबर भी खरीदेगी, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी। अब लोगों से बातचीत करते हैं, आप बताइए आप कहाँ से आए? मैं करसोक से आई हूँ। आप करसोक से आए, आपने पशु पाले हुए हैं? नहीं सर, पशु तो नहीं है पर गांव में है। मैं गोबर सड़कों में काफी बिखरा रहता है। नहीं सर। तो अब सरकार कांग्रेस कह रही है कि अगर सरकार बनाएगी तो गोबर खरीद लेगी? नहीं सर, वो अपने वादे नहीं कच्चे वादे करती है सर कांग्रेस सरकार। भाजपा सरकार है वो हर वादे पूरे करती है, अब तक हर वादा उन्होंने निभाया है। और कांग्रेस पार्टी तो झूठा वादा करती है। हम सत्तारूढ़ दल के कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं यहाँ सुंदर नगर में। आप बताइए मैम आपका नाम क्या है? सीमा गुप्ता। आप कहाँ से आई? करसोक से आए। आप ये बताइए कांग्रेस ने बोला महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी, उम्मीद है आपको मिल जाएंगे? नहीं सर, कांग्रेस जो है झूठे वादे करती है और अपने वादों पर खरे नहीं उतरती है, तो हमें नहीं लगता कि वो इस वादे को पूरा करेगी। मानिए कि अगर वो तैयार हो जाए देने को तो नहीं लेंगे आप? नहीं, तब तो कहाँ से देंगे सर, बजट तो चाहिए। हर महिला को कहाँ से देंगे वो 1500 रुपए? आप 1500 हर महिलाओं को जोड़ के करेंगे तो इतना पैसा लाएगी कहाँ से कांग्रेस सरकार? तो ये तो असंभव ही नहीं है। तो ये वोट बटोरने के लिए है कि भाई जनता को गुमराह करने वाली बात है कि भाई हम 1500 रुपए हर महिला को देंगे, तो ये तो गुमराह करने वाली बात है। हमें बताया जाए कि वो इतना पैसा लाएगी कहाँ से? जी आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बबीता ठाकुर है जी। आप कहाँ से आई? मैं करसोक से आई हूँ जी। कितना चल के आई है? हम 130 किलोमीटर चल के आए जी, करसोक के दूर दराज के क्षेत्र से आए हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपने प्ले कार्ड उठाया हुआ, इसको कहाँ लेके जा रही है? इसको तो हम घर लेके जाएंगे। अब हम कल एक जन महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम इस फ्लैग को हर बूथ में, हर घर घर, हर गांव में, हर व्यक्ति से मिलकर हम कल वोट मांगेंगे और महाजन संपर्क अभियान चलाएंगे। आप अपना नाम बताइए, ये नड्डा जी का बूथ आप कहाँ लेके जा रहे हैं? इसको सिराज ले जा रहा हूँ। क्या करेंगे वहाँ? मैं अपने घर में लगाऊंगा, सामने सबको दिखाऊंगा नड्डा जी को, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनेगी। आपको उम्मीद है? उम्मीद है बिल्कुल। आप बताइए मैम आपका नाम क्या है? मेरा तारा वर्मा नाम है। तारा जी कहाँ से आई? करसोक से हूँ जी। करसोक से? हाँ। क्या काम करती है? मैं कपड़े सिलाई कर जी। तो आप ये बताइए जब कोरोना काल था तो उस वक्त आपको क्या दिक्कतें आई? कोरोना काल में फिलहाल तो कुछ दिखते नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाके राशन भेजा और आपको मिल रहा है राशन? राशन दिया जी और दवाइयाँ पहुँचाई, यहाँ तक कि खाना भी पैक करके। कोरोना काल में बहुत ज्यादा काम किया भारतीय जनता पार्टी। हिमाचल में तो हर 5 साल बाद जो सत्तारूढ़ सरकार होती है दल की उसको चलता कर देते हैं, अब की बार रिवाज का क्या होगा? अब की बार रिवाज बदलेगा सर, जैसा मोदी जी ने बोला, जो मोदी जी ने बोला कि भाई जो मोदी जी की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार बनी, डबल इंजन की सरकार में जो जयराम जी जो शुद्ध काम किए उस शुद्ध काम से जो हिमाचल की जनता बड़ी बेहद खुश है। डबल इंजन की सरकार पर भरोसा है? आप अपना नाम बताइए। रक्षा धीमान जी। रक्षा धीमान जी कहाँ से आई है? मैं बीबीएमबी कॉलोनी। बीबीएमबी कॉलोनी। पिछली बार भी नरेंद्र मोदी आए थे यहाँ पर और आज के दिन पे उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था, लेकिन आपने एमएलए तो किसी और को जिताया, बीजेपी का एमएलए बना ही नहीं था पिछली बार। नहीं ठाकुर केजरीवाल जब आजकल में हम भी हम उसको जताएंगे भारी मतों से, ताकि हम विधानसभा में भेजेंगे उसको। हाँ जी बहुत अच्छा ईमानदार है हमारा अरविंद केजरीवाल जी। जो काम हमारे केजरीवाल जी ने, कैसे काम कभी नहीं हुए। कुछ युवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप बताइए कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में कहा गया है कि जिस रोज सरकार बनेगी पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी पद जो खाली पड़े हैं उनको भर दिया जाएगा। 60,000 से ज्यादा खाली पद है कांग्रेस के मुताबिक, और कांग्रेस ने भी वायदा किया 1 लाख लोगों को नौकरी देगी। सर उम्मीद तो नहीं रहा सर, उम्मीद नहीं है बिल्कुल। आपको उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं। युगल शर्मा। क्या करते हैं सर? मैं यहाँ पर आईटीआई में हूँ सर। आईटीआई कौन सा ट्रेड कर रहे हैं सर? इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। अब देख लो उसकी भी आज बहुत सारी भर्ती है, बट उसमें मेरे को लग नहीं रहा कि ये जब सरकार आएगी कुछ कर पाएगी। कुछ उम्मीद नहीं कांग्रेस सरकार का। यदि भाजपा आ जाएगी तो बहुत बेटर है हमारे लिए, क्योंकि अब दिल्ली में भी भाजपा सरकार बैठी है, तो जो भी हमारे को आता है पैसा दिल्ली से वो बीच में दी हमारा। आपने अपने रोजगार की बात की, कांग्रेस करिए सरकार ने जो काफी पद है वो भरे ही नहीं, बहुत लोग बेरोजगार है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी है। हाँ सर ये तो बहुत है, अब समय के साथ साथ महंगाई भी बढ़ेगी। बट यदि हमारी भाजपा सरकार आ जाती तो शायद से कुछ हद तक महंगाई थोड़ी कम कर। साल में तो कोई महंगाई कम हुई नहीं
सर अभी तो फिलहाल कम हुई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मोदी जी ने तो सब कुछ किया आगे आगे तक, बट अब हमारे जो कांग्रेस की है, जयराम जी जो है महंगाई कम करने में कामयाब नहीं हुए। मेरा नाम जितेंद्र महाजन है। विषय महंगाई का नहीं है, विषय है विकास का। महंगाई जितनी हुई है उतनी आय भी बढ़ी है लोगों की, ऐसा नहीं है। जितनी आय बढ़ी है उस हिसाब से महंगाई भी ठीक है। किस किस की बढ़ी है बता दीजिए। आय हर एक वर्ग की बढ़ी है। मजदूरों को भी इस टाइम 600 से 1000 रुपए, मिस्त्री 1000 रुपए के करीब लेता है और मजदूर 400 से 600 रुपए रेगुलर कमाता है। और जितने थोड़ा सा फर्क है व्यापारी वर्गों को कुछ और, लेकिन वो भी अब ठीक कर रहे हैं। सर आप क्या काम करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट हैं, ठीक है सर। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चेतन शर्मा है। चेतन शर्मा जी कहाँ से आए हैं, क्या काम करते हैं? मैं करसोग से हूँ और ट्रांसपोर्टर हूँ। जी सर। तो आपका व्यवसाय प्रभावित हुआ पिछले 5 सालों में या बढ़ा है? जी नहीं, हमें कोरोना काल में जयराम जी सरकार ने लगभग एक गाड़ी पे 2.5 से 3 लाख रुपए टैक्स माफ किया है। कोरोना काल का कोई भी टैक्स नहीं लिया है और हम आभारी हैं जयराम जी के। आज तक हमें 1 रुपए का भी टैक्स किसी ने माफ नहीं किया और आगे भी बहुत सहूलियतें हमें दी है इस सरकार ने। आप ये बताइए, मोदी जी ने बहुत बड़ी बात की कि कांग्रेस के कार्यकाल में 14 से 2017 के बीच में सिर्फ 15 घर बने और मोदी जी कह गए अब हिमाचल में 8000 घर बन रहे हैं। आपकी लोकेलिटी में कोई ऐसा घर बन रहा है गरीबों के लिए? मैं आपको अभी 3 महीने पहले की बात सुना रहा हूँ। जयराम जी के पास एक महिला ने फरियाद की थी हमारे सामने और उन्होंने सेम टाइम वहाँ पे ड्यू नोट साइन किया वहाँ पे एक कागज पे और वो घर हमारे घर के नजदीक है और जो उस लेंटर बन के बिल्कुल रहने के लिए एक आधे महीने में तैयार बिल्कुल हो गया है और उसके 8 परिवार हैं और एक कमरे में रहते थे। और हम ऐसे घर बहुत ज्यादा है हमारे गांव में जहां पे हमने ये चीज बिल्कुल अपनी आंखों से देखी है। जो सरकार ने बोला वो करके बताया 7 दिन के अंदर अंदर। ओके, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरीशंकर है। गौरीशंकर जी, ये नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा और जयराम जी का जो आपने प्ले कार्ड पकड़ा है, कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं तो उसको घर लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे अपने सभी गांव बुत हर गांव हर बच्चों को दिखाऊंगा कि हमारे देश का जो नेतृत्व है यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक नाम रोशन किया है। इस तरह से आगे में बच्चों को भी इस तरह से प्रेरणा देनी है कि किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए काम किया। क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ नहीं, मैं व्यवसायी हूँ, अपना कृषि खेती बाड़ी करता हूँ। खेती बाड़ी हिमाचल में अब फायदे का सौदा नहीं रह गया? फायदे का एक किसान की क्या समस्या है बताइए। बहुत जगहों पर बंदर फसलें उजाड़ देते हैं या फिर मौसम की मार पड़ती है, बारिश नहीं होती। आप ये बताइए किसान की हिमाचल में क्या समस्या है? नहीं, उसके लिए बहुत सारी जो जैसे पीएम किसान नहीं दिया उसमें 2000 रुपया मिल रहा और जैसे बंदर की बात की उसके लिए जो है जो जाड़ी सोलर वाल का लगाया जा रहा है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई बागवानी में काफी हो रहा, मतलब एक बागवान की जो पेटी है वो 3 से 4 हजार के बीच में जाती है, उस तरह से एक बागवान की आय भी बढ़ी है कहीं ना कहीं, जो हमें लगता है। हम खुद आप बागवान है? बिल्कुल हम बागवान लेकिन है। कई बागवान जो शिमला और दूसरे इलाकों के वो कह रहे हैं कि जो सेब की पेटी है उस पर GST लगा दिया। नहीं, इस तरह का तो हमें कुछ लगता नहीं। जिस तरह से 3 से 4 हजार के बीच में एक पेटी जा रही है तो कहीं ना कहीं उसमें सरकार को कुछ जाए, उसमें कोई घाटा नहीं है। आप दवाइयां इस्तेमाल करते हैं बागवानी के लिए, वो महंगी हुई है सस्ती हुई है? महंगी समय के आधार पर जो चीजें कुछ चीजें बढ़ती है ये जरूरी है। मतलब कीटनाशक उर्वरक और दूसरी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें फर्क है, बाकी किसानों को इसका बागवानों को इसका कोई ये नहीं है। जो पेटी हमारी 1000 से 1500 के बीच में जाती थी आज वही पेटी 3 से 4 हजार के बीच में जा रही है। यानी आप संतुष्ट हैं जो जयराम सरकार ने जो काम? बिल्कुल बिल्कुल, हम ठाकुर जयराम जी की सरकार से बिल्कुल संतुष्ट है और हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। हम चाहते कि इस बार हम सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे। कांग्रेस ने आपके घोषणा पत्र में बार बार ये कहा है कि वो किसानों से या जो लोग हैं उनसे गोबर खरीदेगी 2 रुपए किलो, उसकी कंपोस्ट बनाएगी, तो आप क्या समझते हैं ये सिर्फ एक शिगुफा है चुनाव जीतने के लिए या सचमुच गोबर खरीद लेगी सरकार? क्योंकि गोबर तो सड़कों में बहुत टनों के हिसाब से बिखरा रहता है, आवारा पशु। बात ऐसी है सर, मेरे घर में कोई 12 से 13 पशु हैं इस टाइम और तो माला माल हो जाएंगे फिर जी। नहीं, बात माला माल की नहीं है, हमारे पास गोबर बचता ही नहीं है, हम कंपोस्ट खाद बनाते हैं और उसकी इतनी डिमांड है 10 से 12 रुपए इजली बिक जाती है और हम गोबर शॉर्टेज रहती है हमेशा। तो आप ये बताइए कांग्रेस ने जो वायदा कर दिया कि गोबर खरीद लेगी ना, तो ये सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए? गोबर होता ही नहीं है इस तरह खरीदने लायक। आकर्षण कुछ नहीं है, ये इनके दिमाग में गोबर है और वो गोबर ही बाहर आ रहा है। आप बताइए सर आपका नाम क्या है? प्रवीण शर्मा।
आप कहाँ से हैं? मैं सुंदरनगर से हूँ। सुंदरनगर से बिल्कुल। आप बताइए, कांग्रेस ने बड़ा वायदा किया कि वो जो किसान है उनके लिए उनके जो प्रोडक्ट है उनको खरीदने के लिए बकायदा एक अलग से कमीशन बनाएगी और ताकि उनके फलों के दाम निर्धारित हो, गोबर भी खरीद लेगी और जो है सब्सिडी भी देगी और जो भी आज तक के प्रोजेक्ट रुके उनको दोबारा चालू करवाएगी। सर, 5 साल तो पीछे रहे, 12 से 17 तक, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये वादे तो पता ही है आपको, कांग्रेस के वादे आते भी झूठे वादे रहे। बीजेपी सरकार जब आई, इन्होंने जो वादे किए अपने पूरी तरह से निभाए हैं सारे, चाहे वो रोजगार का वायदा हो, चाहे वो सड़कों की डेवलपमेंट हो। आप देखिए 4 लेन कितने साल से नेशनल हाईवे था, कुल्लू चंडीगढ़ से मनाली वाला, 50 साल से इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जब से बीजेपी सरकार है इसमें शुरू काम हो गया इसका 4 लेन का, और मेरे को लगता है भी ये विद इन नेक्स्ट ईयर तक जो है कंप्लीट हो जाएगा सारा ये। नमस्ते, आप कहाँ से आए? चाडोल से। आप क्या काम करते हैं सर? कुछ भी नहीं, घर जिम्मेदारी। अच्छा, जिम्मेदारी। अब कैसा काम रह गया, इसमें फायदा होता है या नुकसान होता है? वो सही है, वो बारिश होती नहीं है। अच्छा, नुकसान होता है? नुकसान ही होता है। तो जब नुकसान होता है सरकार कोई मदद करती है आपकी? हाँ करती है। क्या मिला आपको? राशन मिला। मिला? अच्छा, मुफ्त का। तो कांग्रेस बोल रही है कि अगर उसकी सरकार बन गई तो आपका गोबर खरीद लेगी। अच्छा, बेचेंगे आप गोबर? गोबर हाँ, गुजारा ही नहीं है, माल नहीं, गोबर बेचेंगे तो बड़ा फायदे का सौदा है अगर आपका गोबर बिक जाए तो। हाँ, फायदा तो है। तो फिर इसका मतलब है कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में कहा बड़ी बात कर दिया। अच्छा, कोई नहीं, डंगर रखेंगे तो बिकेगा। खाद आप कहिए। हाँ, कांग्रेस ने ये स्पष्ट नहीं किया कि गोबर गीला लेंगे या सूखा लेंगे। ये अगर वो क्लियर करते तो कुछ सोचा जा सकता था। गीला गोबर तो हम अच्छे पैसे कमा लेंगे, लेकिन अगर सूखा हुआ गोबर तो क्या करेंगे, उससे अच्छा तो हम कंपोस्ट अपना तैयार करेंगे। मतलब अगर आपने कांग्रेस को गोबर बेचना होगा, उसकी सरकार बनती है तो आप गीला बेचेंगे? वैसे तो सरकार बनना 35 सालों तक नामुमकिन है। अगर जयराम जी आ गए हैं, ये जाने वाले अब नहीं है। इनकी तो वैसे ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। आज हमने कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर लोगों के विचार जाने, और विचार जाने उन लोगों के जो सत्तारूढ़ दल से ताल्लुक रखते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, ये सभी जो भी वायदे कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए हैं उनको लेकर उन्होंने बड़े जबरदस्त जवाब दिए, खासकर गोबर को लेकर, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में गोबर बचता ही नहीं, कि उनको बेचना पड़ेगा, और अगर गोबर है भी तो क्या कांग्रेस सरकार गीला गोबर खरीदेगी या फिर पका हुआ सूखा गोबर खरीदेगी। गोबर को लेकर बात की, वहीं अगर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने की बात भी इस घोषणा पत्र में की गई है, तो सरकार का इतना बजट ही नहीं है, 700 करोड़ रुपए कहां से जुटाएंगे, इसका जवाब कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है। 1500 रुपए महिलाओं को देने का वायदा है, इसके अलावा कई ऐसे दूसरे वायदे हैं, चाहे वो 1 लाख भर्तियां करने का हो या फिर 60,000 से अधिक सरकारी रिक्त पड़े पदों को भरने का हो। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमने इन नेताओं से बात की, इन आम लोगों से बातचीत की, उन्होंने इस घोषणा पत्र के कुछ जितने मद हैं, जितने बिंदु हैं, कई बिंदुओं पर सवाल खड़े किए हैं जो हकीकत से परे हैं। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, सुंदरनगर, आज तक।